Hello, good morning students. Today we are going to learn about unit 2, I am Lucky's exercise. So listen carefully and write in your notebook, okay? Unit 2, I am Lucky, exercise. Question 1. Use the bracket word and complete this sentence. यानी कि ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसको यूज़ करके हम यहाँ पर सेंटेंस फिनिश करेंगे. ठीक है, देखिए एनिमल्स एंड एक्शन, यहाँ पर एनिमल्स के नाम दिए हैं और यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं वो हमें लिखना है. ठीक है, देखो एग्जांपल अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या कर सकता है? सिंग कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, व्रिगल कर सकता है, होप कर सकता है, राइस माई ट्रंक या सिंग राइट या पेंट कर सकता है. क्या कर सकता है बटरफ्लाई? कैन फ्लाई. बटरफ्लाई उड़ सकता है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई. दूसरा देखो अ मैना. मैना क्या करती है? सिंग करती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन सिंग. अ फिश. फिश क्या करती है? तो कैन रिगल. अन एलिफेंट. एलिफेंट क्या करता है? राइज माई ट्रंक. ठीक है. अ कांगारू कैन होप. यू यानी कि आप क्या कर सकते हो? उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते ना. हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कैन सिंग, कैन राइट, कैन पेंट. यानी कि हम सिंग, राइट या पेंट कर सकते हैं. तो आप इसमें से कुछ भी चाहो लिख सकते हो. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर हमें लिखने हैं. उसमें पहला, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग. आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई को उसके पंख पसंद होंगे? तो आंसर है बिकॉज द बटरफ्लाई विंग्स इज सो कलरफुल. है ना, बटरफ्लाईज के विंग जो है तो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं ना. तो बिकॉज द बटरफ्लाई विंग्स इज सो कलरफुल सो दैट्स व्हाई द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग. व्हाट कैन द मैना डू. ये देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, व्हाट कैन द मैना डू. मैना क्या करती है? तो आंसर है द मैना कैन सिंग अ सॉन्ग. मैना क्या करती है? गाना गाती है. यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू डू. आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई कैन सिंग, आई कैन राइट, आई कैन पेंट, आई कैन रन. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, Do you think the fish was really happy to be in the water? क्या आपको लगता है कि फिश पानी के अंदर खुश है? लगता है आपको? तो उसका आंसर होगा yes, because the fish was wriggle and giggle with glee in the water. क्योंकि उसे पानी में रहना पसंद है, वो पानी में ही खुश रहती है ना. वो आप हमने वो पोएम सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है. तो जब मछली को बाहर निकलते हैं पानी से तो क्या होता है? मर जाती है. लेकिन वो पानी में ही ज़्यादा खुश रहती है. तो इसलिए आंसर होगा यस, बिकॉज द फिश वॉज व्रिगल एंड ग्रिगल विद ग्ली इन द वाटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पर एक और ब्रैकेट है, इसमें कुछ वर्ड दिए हैं. देखो न्यू होप, रोर, स्विम, फ्लाई लाइक देम. तो
इन वर्ड्स का यूज़ करके हम यहाँ पर ब्लैंक्स फिनिश करेंगे। देखो, इफ़ आई वेर अ कांगारू, अगर हम कांगारू होते आई वुड, हम क्या करते, न्यू होप, यहाँ पर है ना, न्यू होप, ठीक है। सेकंड इज़ इफ़ आई वेर अ टाइगर आई वुड, अगर हम टाइगर होते तो क्या करते, टाइगर क्या करता है, रोर, है ना, रोर करता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोर। इफ़ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम, अगर मैं एक मछली होता तो क्या करता, स्विम करता। देखो ये फोर्थ है। इफ़ आई वेर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता आई वुड फ्लाई लाइक देम, मैं उनकी तरह आकाश में उड़ता, ठीक है। आज यहाँ तक ही हम एक्सरसाइज लिखेंगे, 3 क्वेश्चन, बाकी के हम कल लिखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ तक आप आज अपनी नोटबुक में लिखो और मुझे मेरे नंबर पर सेंड कीजिए, ओके। चलो बाय, थैंक यू।